हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड की हमने दो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। एक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शंस, जो सेक्शन 1 से लेकर स्टार्ट किया है, और दूसरे लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया है उनके ऑर्डर्स, कि हम उनके ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 51 तक जो भी ऑर्डर्स हैं वो अलग से लेक्चर सीरीज है। ये लेक्चर सीरीज है सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस के लिए। आज हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेशन मींस इसके मातहत, मींस इट्स इनफीरियर। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के इन्फेरियर कोर्ट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, हाई कोर्ट के इन्फेरियर कोर्ट्स सेशन कोर्ट, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, और जो भी हाई कोर्ट के नीचे जो भी हैं, जो भी सिविल सीनियर जज हैं, सीनियर सिविल जज मीन्स असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, और सीनियर सिविल जज, जब वो सिविल मैटर चलता है, क्रिमिनल मैटर चलता है तो सेशन जज, जब सिविल मैटर चलता है तो डिस्ट्रिक्ट जज, और जब क्रिमिनल मैटर चलता है तो फिर असिस्टेंट सेशन जज, और जब सिविल मैटर चलता है तो सीनियर सिविल जज, ठीक है, ये सब इनके मातहत है। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास सेशन जज के मातहत कौन कौन से हैं? असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, और असिस्टेंट सेशन जज के नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आई बात समझिए, जैसा कि अगर सिविल में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत कौन कौन से हैं? सीनियर सिविल कोर्ट, ठीक है, और सीनियर सिविल के नीचे फैमिली कोर्ट या फिर सिविल जज, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 बात किसकी करता है कि सबऑर्डिनेशन कोर्ट्स, जो भी सुपरियर कोर्ट्स के नीचे जो भी कोर्ट्स हैं, आपने कभी भी लोअर कोर्ट नहीं कहना है, क्योंकि ये कोर्ट का एक डेकोरम है। आपने हमेशा अगर कभी भी बात करनी है तो फिर आपने क्या बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप अपील में चले जाते हैं, ठीक है, सीनियर सिविल जज से लेकर आप हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में चले जाते हैं, कोई सिविल मैटर है, तो फिर आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे सर लोअर कोर्ट, आप कहेंगे सब ऑर्डिनेशन, ठीक है, लर्नेड सिविल जज, ठीक है, ऐसा कहेंगे आप, मीन्स आपके जो माध्यम से। सेक्शन नंबर 3 क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है, सेविंग्स की बात कर रहा है। सेविंग्स क्या है कि आपके पास ये जो इसके प्रोविडेंस हैं, अगर किस कोई स्पेशल प्रोविडेंस दिए गए हैं तो उसके अलावा वो प्रोविडेंस छोड़कर अगर कोई स्पेशल प्रोविडेंस दिए गए हैं किसी कानून के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर स्पेशल प्रोविडेंस किसके लिए दिए गए हैं, आपने सुना होगा एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट, या फिर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, या फिर कोई भी ऐसा जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट, अगर कोई स्पेशल प्रोविडेंस दिया गया है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जो भी इस कोड के प्रोविडेंस है, मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड के जो भी प्रोविडेंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 5 बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोर्ट्स। अगर ये जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स हैं इनके जो भी एप्लीकेशन हैं, इनकी जो भी एप्लीकेबलिटी है वो एप्लीकेबल हो गए रेवेन्यू कोर्ट्स पर, जो रेवेन्यू कोर्ट्स को डील करते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन कौन से मामले चलते हैं? फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कोर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से मामले चलते हैं? एक तो रेंट के लिए चलते हैं, ठीक है, रेंट से मुतालिक, या फिर कोई भी किस्म का प्रॉफिट्स हो रेवेन्यू, या फिर प्रॉफिट्स। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट,
ऐसे मामला हों वो रेवेन्यू टैक्स है। रेवेन्यू मीन्स टैक्स कलेक्शन, आई बात समझ में, टैक्स कलेक्शन। अब सेक्शन नंबर सिक्स की बात करते हैं। सेक्शन नंबर सिक्स क्या बात करता है? पिक्यूनरी। पिक्यूनरी हमारे पास दो किस्म की ज्यूरिसडिक्शन होती है। ज्यूरिसडिक्शन आप समझते हैं ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? ज्यूरिसडिक्शन मीन्स दायरा इख्तियार, दायरा इख्तियार, ठीक है, दायरा इख्तियार, ठीक है। हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन कितने टाइप्स की होती है? एक ज्यूरिसडिक्शन है हमारे पास टेरिटोरियल, टेरिटोरियल, और दूसरी ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास है पिक्यूनरी। पिक्यूनरी टेरिटोरियल मीन्स लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज, और पिक्यूनरी मीन्स रिलेटिव टू मनी, पैसे से मुतालिक, पैसा से मुतालिक। फॉर एग्जांपल जो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन एक्सिड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस कोर्ट्स के अंदर आप कोई मैटर लेके आ रहे हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन 50,000 है, ठीक है, तो फिर 50,000 से ज़्यादा है तो फिर ये कोर्ट्स वो कोर्ट्स नहीं सुन सकती, वो मैटर आपका सिविल मैटर वो कोर्ट नहीं देख सकती, ठीक है। सेम एज इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हिच एक्सीड्स द पिक्यूनरी लिमिट्स इफ एनी ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। जहाँ पर एक्सप्रेसली बताया गया हो, जहाँ पर एक्सप्रेसली कोई बात बताई गई हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सीनियर सिविल जज की बात करते हैं, सीनियर सिविल जज की बात करें जिसकी एक्सप्रेसली जो पिक्यूनरी ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन है फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ तक है, और कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा आ जाता है जिसकी हमारे पास उसकी जो सब्जेक्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू है 15 करोड़, क्या उसको ये सीनियर सिविल जज ये समाप्त करेगा इसकी? नहीं, ये सिर्फ 10 करोड़ तक ही करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम चाहते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन नंबर 7 किसके बारे में डील करता है? प्रोविंशियल सिमाल कास्ट कोर्स। प्रोविंशियल सिमाल कास्ट कोर्स किसके बारे में बात करता है? प्रोविंशियल सिमाल कास्ट कोर्स मीन ऐसी कोर्स जो कि रेवेन्यू कोर्स या फिर हमारे पास सिविल कोर्स से अलग हो, जिसका मकसद छोटे मोटे केस चलाना हो। छोटे मोटे केस कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल आपके 1,000 का मामला है, ठीक है, तो क्या आप 1,000 के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे? नहीं। फिर इसके लिए आपके लिए क्या बना दिया गया? सिमाल कास्ट कोर्स, ठीक है। आप इनका आर्डर भी है, आर्डर 50 में आप देखेंगे, आर्डर 50 में देखिए। वैसे हमारे पास अभी सिमाल कास्ट कोर्स है नहीं, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल सेक्शन 9 में बताया गया है, सेक्शन 9 में बताया गया है कि जो भी बातें सिविल कोर्स के जो भी सिविल नेचर के मैटर होंगे वो सब डील करेंगे सिविल, जो हमारे पास सिविल कोर्स की ज्यूरिसडिक्शन है उसमें आएंगे। मगर कोई एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली मना किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कम से कम 50,000, ठीक है, आप सीनियर सिविल जज में कोई भी मैटर लेके चले जाते हैं तो फिर आपको कहते हैं आपकी सब्जेक्ट वैल्यू क्या है, आपने कहना है 50,000, ठीक है। अगर 50,000 से आपने कम कहा तो वो कोर्ट कहेगी ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, ठीक है। जब वो 50,000 की उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो फिर वो ज्यूरिसडिक्शन नीचे आ जाती है। वो किसके लिए किसके पास चले जाते हैं? सिमाल कास्ट कोर्स के पास। अभी हमारे पास सिमाल कास्ट कोर्स नहीं है तो फिर उसके वो मैटर जो है हमारे पास रेवेन्यू कोर्स ही डील करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। जो सेक्शन 8 जो है प्रेसिडेंसी सिमाल कास्ट कोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करता है? प्रेसिडेंसी सिमाल कास्ट कोर्स, जो कि हमारे पास ओमिट किया गया है, रिमूव किया गया है। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 9 डील करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लें।